हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे जो कि आर्मेचर है जो कि पावर टूल्स में लगता है, जो कि एंगल ग्राइंडर एंड जो कि मार्बल कटर एंड ड्रिल मशीन, जो रंदा मशीन, वुड कटर, सब में जो लगता है दोस्तों जो आर्मेचर, वो सब कुछ मेरे पीछे जो कि रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या क्या रेट है आएगा आपका, जो कि यहाँ पे जो बिग कट ऑफ मशीन होता है दोस्तों उसका आर्मेचर है, एंड पीछे बहुत सारे जो कि कटिंग मशीन का, रंधा मशीन का, एंगल ग्राइंडर का, सबका दोस्तों आर्मेचर रखा हुआ है उसका क्या प्राइस है आज मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसी टाइप से दोस्तों आपको अगर इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वराज इलेक्ट्रिकल्स दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि रखा हुआ है, ये रहा जो कि CM4, जो कि CM4 लिखा हुआ है। ये दोस्तों जो फील्ड कॉयल होता है ना मार्बल कटर का, वो वाला फील्ड कॉयल है, एंड यहाँ पे 6x100 आपको दिख रहा होगा। ये दोस्तों जो कि एंगल ग्राइंडर के अंदर लगता है, एंड पीछे और भी कुछ वर्जन जैसे कि 6x801 का जो रखा हुआ है फील्ड कॉयल। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि शुरू होता है मेरा जो कि एंगल ग्राइंडर मतलब आर्मेचर का जो कि रैक, यहाँ से लेके यहाँ पे देख सकते हो वहाँ तक है। ये दोस्तों जो कि मिक्सर ग्राइंडर के अंदर लगता है, तो यहाँ पे मैं डिवाइडेड कर दिया हूँ। इस साइड मिक्सर ग्राइंडर के अंदर लगती है, आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, इस साइड का दिखाऊंगा, क्योंकि ये सब जो कि पावर टूल्स के अंदर आता है जो कि लगते हैं सब, एंगल ग्राइंडर, मार्बल कटर, बिग कटिंग, ड्रिल मशीन, ये सब में दोस्तों लगता है। तो चलिए इनका जो कि होलसेल रेट क्या है ये बताऊँगा, और हम कितने में बेचते ये भी हो सके तो कुछ का मैं बता दूंगा। सो दोस्तों सबसे पहले जो कि मैं इस साइड से शुरू करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों जो कुछ फील्ड कॉयल है, जैसे कि मैं इस वीडियो में फील्ड कॉयल का कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा आर्मेचर का बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले एक रखा हुआ है जो कि दोस्तों बोश कंपनी का, जो कि इसके अंदर रखा हुआ है आर्मेचर, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मॉडल दोस्तों जो कि है GDC 120 है। सो इसका रेट दोस्तों आपको पड़ेगा, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। सो ये रहा दोस्तों जो कि हमारा आर्मेचर, सो आपको दिख रहा होगा। सो ये दोस्तों हमारा आर्मेचर GDC 120 मॉडल है वो वाला। इसका दोस्तों एक मशीन भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये रहा दोस्तों जो कि मशीन, सो इसका दोस्तों आर्मेचर है ये वाला, जो कि ये वाला दोस्तों आपको पड़ जाएगा, होलसेल में लो या रिटेल में लो, जिसमें आप लेना चाहते हो। इसका दोस्तों प्राय लगभग सेम ही आता है, जो कि आई थिंक 840 या 830 के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। या होलसेल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी रेट है, रिटेल में आपको थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है, ज़्यादा तो मिलेगा, ये कन्फर्म है। यदि आप लगा कर ले रहे हो तो फिटिंग चार्ज मिलके थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पड़ता है या फिर पड़ेगा। सो दोस्तों यहाँ पे जो कि CM4SA लिखा हुआ है, इसका दोस्तों मैं आपको आर्मेचर दिखा देता हूँ। सो इसको मैं खोल लेता हूँ, सबसे पहले मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का रहता है। ये दोस्तों CM4SA का आर्मेचर है, देख सकते हो किस टाइप का रखा हुआ है। एंड SB दोस्तों आता है इससे थोड़ा जो बड़ा मॉडल आता है ना उसके अंदर, तो मैं इसको रख लेता हूँ सबसे पहले ऊपर। ये दोस्तों ये रहा दोस्तों SB जो कि वीवेल्ट कंपनी का है, तो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये दोस्तों गी वर्ल्ड कंपनी का है दोस्तों। तो ये दोस्तों SB जो इसका पंखड़ी है दोस्तों, ये आपको प्लास्टिक में आ जाता है, एंड कोर दोस्तों थोड़ा मोटा एंड थोड़ा बड़ा आता है इसका आर्मेचर का साइज़। ये दोस्तों HB है, ये हमारे दोस्तों इसका मॉडल लिखा हुआ है। सो ये दोस्तों आपको होलसेल में पड़ जाएगा 400 रुपीज़। एंड इसका दोस्तों आता है जो कि यहाँ पर 6x100 है, तो मैं इसको खोल के दिया, सब दोस्तों एक ही ब्रांड का है, गी वर्ल्ड कंपनी का। सो यहाँ पे दोस्तों देखो ये 6x100 का जो कि आर्मेचर, सो ये दोस्तों आपको पड़ जाएगा इससे सस्ते में होलसेल में, अब यदि आप लेते हो तो आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 300 या 320 के अंदर मिल जाएगा इजीली। और इसके बाद दोस्तों आता है ये दोस्तों हम जो कि बेचते हैं 600 एंड 700 इसके अंदर रहता है, क्योंकि दोस्तों हम जो कि 320 में लाते ये GST एंड जो कि किराया लगता है बस में लाते या फिर ट्रांसपोर्ट में लाते, वो सब मिला जुला के हम यहाँ पे स्टॉक में रखते हैं उसका, इसको फिटिंग करके जो कि देते हैं 600 रुपये में, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट दोस्तों 6x100 के ऊपर आता है तो 7x100, तो चलिए मैं इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, सबसे ऊपर वाला साइड में रख लेता हूँ। सो दोस्तों 6x100 के ऊपर आता है 7x100, चलिए मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का आता है। सो ये दोस्तों 7x100 का जो कि आर्मेचर बहुत ही पतला सा और लंबा रहता है दोस्तों, ये ज़्यादातर एंगल ग्राइंडर में ही लगता है ये वाला। उसके बाद दोस्तों इसके जस्ट ऊपर आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा
इसको दोस्तों 8x100 बोलते हैं किसी कोई कोई, या फिर डीवल्ट में लगता है DW, देख दोस्तों 801 आर्मेचर। 6x100 के ऊपर ये वाला आता है, ये वाला ही ज़्यादातर लगता है। 6x100 जिसमें नहीं लगा उसमें ये वाला आर्मेचर जो कि कन्फर्म लग ही जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इसका जो कि गियर चूड़ी है एंड ये प्लास्टिक का फैन लगा हुआ है एंड ये दोस्तों पीछे कितना लंबा शाफ्ट आप देख सकते हो। इसका प्राइस दोस्तों आपको होलसेल में पड़ जाएगा, आई थिंक इससे दोस्तों आपको ये वाला 30 रुपये एक्स्ट्रा में मिल जाएगा, 350 या 370 में मिल जाएगा। इस रेट दोस्तों आपका जो कि आप कहाँ से ले रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप होलसेल में जैसे दिल्ली जैसे बड़े मार्केट से ले रहे हो तो दोस्तों आपको बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं जो भी रेट बता रहा हूँ इससे 10-20 रुपये और भी कम में मिल जाएगा इजीली यदि आप दिल्ली जैसे मार्केट से ले रहे हो। एंड ऊपर से दोस्तों यदि आप फैक्ट्री से लेते हो या फिर बड़े मार्केट से अंदर हो, या फिर जैसे कि मैं बता देता हूँ कोलकाता, मेरे यहाँ के जो नज़दीक के एरिया के जैसे मैं बता देता हूँ कोलकाता से यदि लेते हो तो मैं जो रेट बता रहा हूँ इससे और भी सस्ते में मिल जाएगा। और यदि आप दिल्ली से ले रहे हो, मेरे यहाँ से बहुत दूर है, तब भी सस्ते में मिल जाएगा। यदि आप हैदराबाद से ले रहे हो तब भी आपको दोस्तों सस्ते में मिल जाएगा। यदि लोकल में आप ले रहे हो तो आपको रेट थोड़ा दे पे करना पड़ेगा क्योंकि आप नज़दीक में मिल रहा है, आपको जाकर ले आ सकते हो। दूर से ले रहे हो तो आपको ज़्यादा माल मंगाना पड़ता है। उसका दोस्तों नेक्स्ट जो मॉडल में दोस्तों आपको बहुत सारे प्रो टिप्स देता हूँ, सो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। सो दोस्तों अभी नेक्स्ट जो कि आर्मेचर का जो कि मॉडल है ये दोस्तों 25-10 है। ये दोस्तों जो कि लगता है, ये वाला दोस्तों जो कि लगता है जो वुड कटर बोलते हैं या फिर रंधा मशीन बोलते हैं दोस्तों उसके अंदर लगता है। तो दोस्तों हो सके तो मैं ये वाला जो आर्मेचर किस में लगता है उसका जो मशीन का फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जिस फोटो आपको दिखा रहा हूँ इसका जो कि ये दोस्तों बोश कंपनी का जो कि मशीन है, इसके अंदर जो आर्मेचर लगता है उसका प्राइस दोस्तों आपको पड़ जाएगा लगभग 790 या फिर 800 के बीच में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये वाला दोस्तों आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा क्योंकि ये दोस्तों लोकल है, वो वाला दोस्तों बोश कंपनी का है। ये वाला दोस्तों आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 350 के अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं दोस्तों 350 या 400 के मिल जाएगा। मैं दोस्तों आपको थोड़ा रेट एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ क्योंकि कहाँ से ले रहे हो ये आपको जानना जरूरी है। 350 में मिल जाएगा ये वाला दोस्तों। इसके ऊपर दोस्तों जो मॉडल आता है वो दोस्तों DU10 है। ये दोस्तों ड्रिल मशीन के अंदर लगता है ये वाला आर्मेचर, इस टाइप का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों ये आर्मेचर, इसके आगे दोस्तों गियर टाइप का रहता है जो कि ड्रिल मशीन के अंदर लगता है, यहाँ पर देख सकते हो। एंड ये दोस्तों कुछ आर्मेचर का जो कि सैम्पल। सो दोस्तों ये वाला इसका जो प्राइस दोस्तों आपको पड़ जाएगा इसके बराबर 350 के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके दोस्तों और एक मॉडल आता है जो कि 23-10 बोलते हैं, ये भी दोस्तों ड्रिल मशीन के अंदर लगता है। तो मेरे पास एक पीस यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैं इसका आपको इसका थ्रेड आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का है। तो यहाँ पे दोस्तों पन्नी के अंदर है, ये बाहर आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों इसका गियर, तो खोल के देखने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, बाहर से ही मतलब अंदर से ही पता कर सकते हो। ये वाला दोस्तों बहुत सस्ते में, यहाँ पे जितने भी आर्मेचर है ना सबसे सस्ता दोस्तों ये वाला है। इसका प्राइस आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 250 या 270 के अंदर आपको मिल जाएगा। ये वाला दोस्तों सबसे सस्ते में आपको मिलता है जो कि ड्रिल मशीन के अंदर लगता है ये वाला आर्मेचर। ये दोस्तों सेम जो कि DU10 है, उसके बाद दोस्तों ये वाला आर्मेचर आता है C7। ये दोस्तों मैं आपको मेंशन मतलब दिखा दिया हूँ इसका हम कितने में बेचते हैं। होलसेल में दोस्तों आपको ये मिल जाएगा ऑलमोस्ट 400 जो मुझे पड़ा है दोस्तों, ये एक्यूरेट बता रहा हूँ, 440 पड़ा था ये वाला। ठीक है दोस्तों, इसका जो मॉडल आप देख सकते हो आर्मेचर C7 इसका मॉडल है दोस्तों। ये वाला दोस्तों जो कि लगता है 7 इंच जो ब्लेड आता है मार्बल कटर या फिर जो प्लाई कटिंग करते हैं उसके अंदर लगता है ये वाला दोस्तों आर्मेचर। उसका दोस्तों आता है ये LG55। इसका यहाँ पे प्राइस था मैं ऑफ कर दिया हूँ क्योंकि मैं कितने में बेचता हूँ ये देखना ज़रूरी नहीं है। ये कितने में मिलता है दोस्तों, ये आपको पड़ जाएगा 1000 रुपया दोस्तों, उससे थोड़ा कम ज़्यादा होता है। कहाँ से ले रहा हो ये मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, LG55 ये दो है, ये दोनों दोस्तों आपको बिग कटिंग मशीन के अंदर लगता है LG55 का जो कि आर्मेचर। उसके बाद दोस्तों आपको आता है GCO 200, ये दोस्तों बोश कंपनी के अंदर जो बिग कटिंग मशीन आता है ना उसके अंदर लगता है ये वाला दोस्तों आर्मेचर। ये वाला दोस्तों ज़्यादातर आपको 100% देखने को मिलेगा जो कि बोश कंपनी का जो बिग कटिंग मशीन के अंदर लगता है। सो आपका अगर बोश कंपनी का बिग कटिंग मशीन आता है आपके वहाँ पे तो आप ये वाला ज़रूर अपने दुकान पे रख सकते हो। ये दोस्तों आपको होल जाएगा होलसेल में मिल जाएगा इसके बराबर, इसको आपको मिल जाएगा ये वाला जो कि GCO 200। तो दोस्तों उसके ऊपर में आता है दोस्तों ये और एक आर्मेचर जो कि 55D। इससे दोस्तों ये वाला थोड़ा छोटा मॉडल है, ये 55D है दोस्तों।
इसका भी प्राइस दोस्तों सेम इस तीनों का एक ही है। उसके बाद ये है C7 जो कि मैं आपको दिखाया था। बाकी दोस्तों इतना ही है मेरे पास फिलहाल स्टॉक में। तो ये ही ज़्यादातर दोस्तों आता है, जैसे कि मैं ये बिग कटिंग के अंदर, ये 7 इंच जो कि प्लाई कटिंग करते हैं उसके अंदर लगता है, ये वाला दोस्तों जो कि वुड कटर यानी जो कि रंधा मशीन के अंदर लगता है, ये दोस्तों ड्रिल मशीन का ये दो मॉडल है। और यहाँ पे दोस्तों ये 7x100 वो यही है। ये दोस्तों कुछ कुछ ओल्ड मॉडल जो कि मुझे भेज दिया है, तो अभी क्या कर सकते हैं, रखना तो ले भेज दिया तो रखना तो पड़ेगा। ये दोस्तों डोंगचेंग का है, इसका दोस्तों मेरे पास कटिंग मशीन भी है जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है, तो इसलिए मैं इसका ब्रांड को भी मैं अच्छा सल्यूट करता हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि हमारे पास भी एक है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, एंड जो कि बगैर और जो कि जितने भी आर्मेचर मैं आपको दिखा दिया हूँ, इसका जो कि प्राइस मैं आपको सबका बता दिया हूँ, जो कि सबसे सस्ता ये वाला आपको पड़ जाएगा 250 से 270 के अंदर। सो दोस्तों आपको अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना इसी टाइप्स के वीडियो देखने के लिए। यदि आपका मन में कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलता हूँ बहुत ही जल्द, टाटा।